टुडे आई एम गोना बी शोइंग यू हाउ यू कैन प्ले फेदर क्लैन फॉर फ्री। और ये इस टॉपिक का जो है ना पार्ट 2 होने वाला है। जस्ट लाइक आई नो मैंने जो है ना इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में जो है ना मैंने किसी और का अकाउंट दिया था फेदर क्लैन के लिए, और बिल्कुल फ्री में मैंने बताया था कि यार तुम लोग कैसे फेदर क्लैन बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में जो है ना काफी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ, ठीक है। लाइक पिछली बार जो मैंने आपको अकाउंट की फाइल दी थी ना वो किसी और की थी, बट इस बार मैं आपको अपना एक प्रीमियम अकाउंट देने वाला हूँ। मैं बताता हूँ तुम लोग फेदर क्लैन को बिल्कुल फ्री में कैसे खेल सकते हो, और इसमें कोई भी इशू आता है ना तो तुम लोग मेरे से आकर डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हो। सो दिस इज माय डिस्कॉर्ड। तुम लोग क्या करो, मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड ज्वाइन करने के बाद जो है ना ये मेरी पुरानी फाइल है जो फेदर क्लैन की मैंने दी हुई थी। बट अभी आपने क्या करना है, मैंने अभी रिसेंटली जो है ना एक फाइल यहाँ पर डाली है। आपने सिंपल क्या करना है, इस वाली फाइल को यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक करो और इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये एक अकाउंट की फाइल है, इसको यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ। सिंपल इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है फेदर क्लैन की वेबसाइट पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपल इसको भी डाउनलोड कर लेना और नॉर्मली इसको इंस्टॉल कर लेना, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में वैसे भी बताया था। फेदर क्लैन को आपने रखने के बाद जो है ना मैं अपना फेदर क्लैन यहाँ पे दिखाता हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है। ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है जो यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो है ना दरअसल दो अकाउंट पड़े हुए हैं, जो दूसरा अकाउंट में ज्यादा यूज नहीं करता, मैं यूज नहीं करता, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा अकाउंट पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना वो अकाउंट आप सबको मैं दे दूं और तुम सब लोग वो यूज कर लो। मैं अभी क्या करता हूँ, फेदर क्लैन को यहाँ से बंद करता हूँ। अभी के लिए सिंपल आप क्या करना, फेदर क्लैन को डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो फेदर क्लैन को बैकग्राउंड से अगर आपके पास ओपन है उसको प्रॉपर बंद कर देना। देन बंद करने के बाद जो है ना आपने विंडोज प्लस R दबाओ, देन उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है ऐप डेटा। सिंपल ये टाइप करने के बाद एंटर करो। देन उसके बाद यहाँ पर जो है ना अपने रोमिंग में जाना है और फिर फर्स्ट नंबर पे आपको डॉट फेदर मिलेगा, इसको ओपन करो। अब यहाँ पर आपको हो सकता है ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट की एक फाइल मिले, अगर यहाँ पे नहीं पड़ी हुई तो कोई मसला नहीं है। अगर पड़ी हुई है अकाउंट की फाइल तो सिंपल इसको डिलीट करो एंड रिसाइकल बिन में जाके यहाँ से भी डिलीट कर दो। देन हर जगह से डिलीट करने के बाद जो है ना आपने क्या करना है, ये जो अकाउंट की फाइल आपने डाउनलोड की है इस फाइल को यहाँ पर ड्रैग कर लो। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर डल जाएगी फाइल, फिर फाइल को बंद करो एंड फेदर क्लैन को री ओपन करो, ठीक है। दोबारा से इसको ओपन कर लो एंड अभी आप देखना मेरा जो है ना सेकंड वाला अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, आपके पास भी लॉगिन हो जाएगा। मैं भी दिखा देता हूँ। लाइक पहले मेरा मिस्टर आरजे वाईटी के नाम से अकाउंट था और अब देखना कोई और अकाउंट यहाँ पर लॉगिन होगा। जस्ट लाइक दिस यहाँ पे चेक कर सकते हो, आरजे भाई के नाम से यहाँ पे एक अकाउंट ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग मेरी ये वाली फाइल यूज करके और मेरा सेकंड अकाउंट यूज कर सकते हो। मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये मेरा सेकंड अकाउंट है जो मैं यूज भी नहीं करता, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को देता हूँ, जिसकी मदद से मेरी सारी ऑडियंस जो है ना फेदर क्लैन को बिल्कुल फ्री में खेल पाएगी। तो अब जो है ना इतना कर लेना। इतना करने के बाद जो है ना अब बताया तो कि यार सभी जो है मेरे अकाउंट के साथ तो नहीं खेल पाएंगे, तो गेम के अलग अलग सर्वर्स को खेलने के लिए तुम्हें जो है ना एक मोड की जरूरत पड़ेगी, जो होगा पहले तो वर्जन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जो सा वर्जन चाहिए उस वर्जन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने एक मोड डालना है, मोड पे जाओ, उसके बाद यहाँ पर आपने ब्राउज मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में सिंपल लिख दो IN लिख दो। इन लिखने के बाद यहाँ पे पहला आपको मोड मिलेगा इन गेम अकाउंट फीचर के नाम से, इस पर क्लिक करो एंड इसको लेटेस्ट वर्जन में ऐड कर लो, ठीक है। इसको ऐड कर लेना, उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे प्ले पे जाओ और अब इस गेम को जो है ना यहाँ से लॉन्च कर दो। मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ और अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बिल्कुल इजीली तुम लोग कैसे मेरे अकाउंट को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। जब तक ये गेम ओपन हो रही है ना, एक और बात आपको बता दूं, मैंने जो है ना लास्ट टाइम जब मैंने फेदर क्लैन पे वीडियो बनाई थी ना तो काफी लोगों के कमेंट आए थे कि ब्रो इट्स नॉट वर्किंग, इट्स फेक, लाइक स्कैम, इस तरह से कह रहे थे। देखो भाई, हो सकता है एक बारी में तुम्हारे से ओपन ना हो, तुम्हारे लॉन्चर में इशू हो सकता है, तो तुम लोग जो है ना दो तीन दफा ट्राई करो, देन वर्क कर जाएगा ये अकाउंट, ठीक है। वर्क कर जाएगा, 100% वर्क करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो है ना इस वीडियो के कमेंट पे नॉट वर्किंग या फेक ऐसा कुछ करके मत करना, बिकॉज कोई और पब्लिक वगैरह भी वीडियोस देखने आती है जिनसे उनको लगता है कि ये वीडियो फेक है। तो काइंडली इस तरह के कमेंट मत करो, तुम लोग रीट्राई बार बार ट्राई करो, वर्क कर जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई इशू आता है तो तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड पे आके मेरे से बात कर सकते हो। ओके, तो गेम हमारी यहाँ पर ओपन हो चुकी हुई है, यहाँ पे चेक कर सकते हो मैंने अलग अलग मोड्स डाले हुए, तो इस तरह से आ रहा है, वरना अभी मैं यहाँ पे फेदर मेन मेन्यू में जाता हूँ। ओके, आप देख सकते हो गेम हमारी बिल्कुल ओपन हो चुकी हुई है, चेक कर सकते हो मेरा ही अकाउंट यहाँ पर ओपन है। मेरा ओरिजिनल अकाउंट से मल्टीप्लेयर पे जाके सर्वर तो नहीं खेल पाओगे, अलग अलग हो सकता है खेल पाओ, हो सकता है ना खेल पाओ। जाहिर सी बात है काफी ऑडियंस जो है ना इन अकाउंट को यूज करके अलग अलग सर्वर्स खेल रही होगी, तो सभी तो नहीं यूज कर पाओगे, तो इसलिए तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे ओरिजिनल मेन मेन्यू पे जाओ, इस पर क्लिक करना, देन उसके बाद जो है ना यहाँ पर आपको मिलेगा इन गेम अकाउंट स्विचर, ठीक है। हो सकता है अगर तुम्हारे पास ये मेन्यू ना आया, एक मेन मेन्यू के नाम से एक और मोड होता है वो भी डाल लेना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इन गेम स्विचर यहाँ पे आइकन है, इस पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर एड के ऑप्शन पर क्लिक करके तो सिंपल यहाँ पे जो है ना मैं अपना एक नेम डाल देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ DRJYT, ठीक है, ये नेम डाल देता हूँ। एड ऑफलाइन करता हूँ, ऑफलाइन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके कैंसिल करता हूँ। उसके बाद सर्वर्स में आके एड सर्वर करता हूँ, यहाँ पे मैं फायर MC का ज्वाइन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। play.firemc.fun, ठीक है। लाइक ये वाला क्रैक अकाउंट मेरा काफी पुराना है, तो इससे मैं ज्वाइन करके देख लेता हूँ फायर MC को। ओके, कनेक्टिंग टू सर्वर हो रहा है, इसको ज्वाइनिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग वर्ल्ड ब्रो। ओके, ज्वाइन हो चुका हुआ है यार, यहाँ पे सिंपल स्लैश लॉगिन। अरे मुझे इसका पासवर्ड तो याद ही नहीं है।
कोई नहीं, इसको बंद करता हूँ, दूसरा सर्वर ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरे एक फ्रेंड का सर्वर है इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, मेरे एक फ्रेंड का सर्वर है जो ज्वाइन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर करने का बोल रहा था, मैं रजिस्टर भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर रजिस्टर भी हो चुका है, और चेक कर सकते हो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। और यहाँ पर नेम भी चेक कर सकते हो, जो मैंने नेम लगाया था वही नेम यहाँ पे शो करवा रहा थी, RJYT, और ये मेरा क्रैक नेम है। तो तुम लोग जो है ना कुछ इस तरीके से फेदर क्लाइन को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, यस। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो चली गई होगी, वीडियो चली गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।